रुड़की में फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में नकल करवाने के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी कोचिंग संचालक की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि 16 फरवरी को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। एक परीक्षा ने परीक्षार्थी ब्लूटूथ से नकल करवाने का आरोप लगाया था। इसके बाद मंगलौर कोतवाली में 2 कोचिंग संचालकों समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कोचिंग संचालक मुकेश सैनी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले की जानकारी कर रही लश्कर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। टोंडा कल्याणपुर निवासी आरोपी के पास से नकल में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। पकड़े हुए आरोपी शहनवाज के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। आरोपी घनौरी के एक कॉलेज से LLB भी कर रहा है। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि प्रति अभ्यर्थी से नकल करवाने के एवज में 4 से 5 लाख रुपए तय हुए थे। वहीं पुलिस ने घटना में अन्य लोगों के भी सम्मिलित होने की संभावना जताई है। कल तो सर मनोज सैनी करा रहे थे, हम तो वहाँ अपने भाई के साथ में गए थे। वहाँ कितने पैसे में बात हुई थी आपकी? हमारी मनोज सैनी से सर 5 से 4 लाख के बीच में बात हुई थी कि वो हमारे से नकल कराने के बाद में पैसे देंगे। मुकेश सैनी सर। अच्छा सर, और उन्होंने ड्रेस दे रखी थी बच्चों को और उसके थ्रू पेपर करा रहे थे मुकेश सैनी। आपने कौन से कॉलेज से, लो कॉलेज से कौन से वो कराया? मैंने सर, मैंने अमृत लो कॉलेज से झनौरी से लो किया है, कर रहा हूँ सर। क्या नाम बताया उस कॉलेज का? अमृत लो। हमारा मंगलूर कोतवाली में जो पंजीकृत मुकदमा जो 141/20 जो 420 भी में पंजीकृत किया था, जो वर्ण आरक्षक का जो एग्ज़ाम चलता है उसमें नकल करने का संबंध में जो मुकदमा कायम किया था, उसमें 21 तारीख को हमने इसका मास्टरमाइंड है उनका जो है हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा था मुकेश सैनी को। आज इनका दूसरा मुख्य सहयोगी जो है इस काम करने का जो शाहनवास है, जो थोड़ा कल्याणपुर का रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार करके जो है इनको हम जेल भेज रहे हैं। इनसे एक इस घटना में जो प्रयुक्त एक मोबाइल फ़ोन नकल करने के लिए जो प्रयुक्त किया गया है उसको हमने बरामद किया है और इनसे पूछताछ करने में और लोगों को भी इसमें सम्मिलित होने का संभावना बन रही है। और जो इनका जो भी माल बरामद है इसका आधार पर जो है आगे की योजना की कार्रवाई हम कर रहे हैं। बिल्कुल आने की संभावना है, अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी जल्दी हम आपको इस बारे में बता पाएंगे। ये एक कैंडिडेट से लगभग 4 से 5 लाख के बीच में इन्होंने सौदा करके जो है इस नकल करने का काम को जो है इन्होंने अंजाम दिया है।